हेलो स्टूडेंट्स, आई एम रुचिका फ्रॉम इंग्लिश एकेडमी। हम यहाँ पर क्लास 10th के इंग्लिश की फर्स्ट फ्लाइट बुक के लेसन्स पढ़ रहे हैं। एंड द चैप्टर दैट वी स्टडी टुडे इज चैप्टर 3। द नेम ऑफ द चैप्टर इज टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। इसमें दो कहानियां हैं फ्लाइंग के बारे में, मीन्स उड़ने के बारे में। द फर्स्ट स्टोरी इज हिज फर्स्ट फ्लाइट रिटन बाय लैम ऑफ फ्लैटी एंड द सेकेंड स्टोरी इज द ब्लैक एरोप्लेन रिटन बाय फ्रेडरिक फॉर्सेथ। तो आज इस वीडियो में हम इसका पार्ट 1 यानी कि फर्स्ट स्टोरी डिस्कस करेंगे, हिज फर्स्ट फ्लाइट बाय लैम ओ'फ्लाहर्टी। यहां पर हम स्टोरी पढ़ेंगे, इसके डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग्स और एक्सप्लेनेशन देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आई गिव यू एन इंट्रोडक्शन टू दिस चैप्टर। हिज फर्स्ट फ्लाइट, यहाँ पे हिज कौन है? एक चिड़िया है, अ सीगुल। एक यंग बर्ड है और इसकी पहली उड़ान यानी कि जब ये पहली बार हवा में उड़ता है अपने पंख फैलाकर, वो एक्सपीरियंस कैसा है और ये कैसे उड़ना सीखता है, वो ही सब इस स्टोरी में बताया गया है। एक्चुअली ये जो सीगुल है ये डरपोक है, ये उड़ने से डरता है, लेकिन कैसे फाइनली एक दिन ये इतनी हिम्मत जुटाता है और उड़ने लग जाता है, इस चीज की कहानी यहां पर बताई गई है। सो लेट अस बिगिन विद दिस लेसन। The young seagull was alone on his ledge. Ledge is a narrow horizontal shelf projecting from a wall or here a cliff. Cliff means एक पहाड़ का किनारा। वहां से एक पतली सी हॉरिजॉन्टल शेल्फ बाहर निकल रही थी और इसके किनारे पर ये सीगुल चिड़िया बैठी हुई थी। His two brothers and his sister had already flown away the day before. He had been afraid to fly with them. अभी सीगुल के दो भाई थे और एक बहन थी, वो एक दिन पहले ही उड़कर वहां से चले गए थे, लेकिन उसे डर लग रहा था इसलिए वो अकेला ही उस लेज के किनारे पर बैठा हुआ था। Somehow, when he had taken a little run forward to the brink of the ledge and attempted to flap his wings, he became afraid. Brink means edge, किनारा। जब ये सीगुल हल्की सी दौड़ लगाकर ये लेज का, यहां आप देख सकते हैं ये क्लिफ है पहाड़, और इसके किनारे पर पहुंचा तो इसने सोचा कि चलो मैं अपने पंख हिलाता हूं और उड़ान भरता हूं, लेकिन ये डर गया। और यहां पर आप देख सकते हैं इसके बाकी सब फैमिली मेंबर्स उड़ गए हैं, ये अकेला ही यहाँ क्लिफ पर बैठा हुआ है। द ग्रेट एक्सपैंस ऑफ सी स्ट्रेच डाउन बीनीथ एंड इट वॉज सच अ लॉन्ग वे डाउन, माइल्स डाउन। अब नीचे इतना बड़ा गहरा समुंदर था, उसे देख के ये सीगुल डर गया। He felt certain that his wings would never support him, so he bent his head and ran away back to the little hole under the ledge where he slept at night. अब उसको इतना डर लग रहा था, वो ये श्योर था कि उसके जो पंख हैं वो कभी भी इतने मजबूती से हिल नहीं पाएंगे, उसे सपोर्ट नहीं कर पाएंगे और इसी वजह से वो समुंदर में डूब सकता है। इसलिए सीगुल ने क्या किया, ये छोटे से होल में वापस भाग गया। इस क्लिफ में एक छोटा सा होल था और यहीं पर इसने रात बिताई। तो ये सीगुल बहुत ज्यादा डरा हुआ था, इसे लग रहा था कि इसके विंग्स इतने मजबूत नहीं है, ये उड़ नहीं पाएगा, और इसलिए इसने रात उस क्लिफ में ही बिताई। His father and mother had come around calling to him shrilly, upbraiding him, threatening to let him starve on his ledge unless he flew away. But for the life of him, he could not move. Upbraiding means scolding, dantna. अब ये सीगुल के पेरेंट्स ये चाहते थे कि वो भी उड़े, इसलिए वो क्या कर रहे थे, वो अलग अलग वेज ट्राई कर रहे थे ताकि वो उड़ सके। वो क्या कर रहे थे, वो उसे जोर जोर से चिल्लाकर बुला रहे थे। They were calling him shrilly. Shrilly means एक तीखी सी आवाज में चिल्लाना। वो उसे डांट रहे थे, उसे धमका रहे थे कि हम तुम्हें खाना नहीं देंगे, भूख से ही मर जाओगे यहां पर बैठे बैठे, और इसलिए वो उसे कह रहे थे कि यहां से उड़ो, चलो। वो चाहते थे कि वो उड़े, लेकिन but for the life of him यानी कि उसमें जितनी भी जान थी
वो खत्म हो गई थी, वो उड़ नहीं पा रहा था, वो वहां से हिल ही नहीं पा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो एक मूर्ति बन के वहां पर बैठा हुआ है। That was 24 hours ago. Since then, nobody had come near him. 24 hours means one day. अब पूरा एक दिन बीत चुका था जब उसके पेरेंट्स ट्राई कर रहे थे अलग अलग वेज उसे वहां से हिलाने के लिए, लेकिन अब उन्होंने भी गिव अप कर दिया था। अब पूरा एक दिन बीत गया था और कोई भी नहीं आया था इस सीगुल के पास उसे कुछ कहने के लिए, उसे खाना देने के लिए, उसे वहां से हिलाने के लिए। तो वो अकेला ही इस लेज पर बैठा हुआ था। The day before, all day long, he had watched his parents flying about with his brothers and sister, perfecting them in the art of flight, teaching them how to skim the waves and how to dive for fish. Skim here means to move lightly above a surface. और यहाँ पर किस सरफेस की बात हो रही है? सी की। तो कैसे समुंदर की लहरों के ऊपर उड़ा जाता है। तो एक दिन पहले सारा दिन इस सीगुल की जो फैमिली है वो वहां आसपास हवा में उड़ रहे थे। इसके जो मम्मी पापा हैं वो इसके ब्रदर्स और सिस्टर को फ्लाइंग सिखा रहे थे। वो उन्हें सिखा रहे थे कि कैसे समुंदर के ऊपर ऊपर उड़ा जाता है और कैसे समुंदर में डुबकी लगाकर मछली पकड़ी जाती है। He had, in fact, seen his older brother catch his first herring and devour it standing on a rock while his parents circled around raising a proud cackle. Herring is a soft-finned sea fish. Ek soft fins wali machli jo samundar mein pai jati hai. Devour means to eat hungrily or quickly. Cackle means the sound produced by the birds. तो एक दिन पहले ये सीगुल जो पहाड़ी के किनारे पर बैठा हुआ था, इसने क्या देखा कि इसका बड़ा भाई यानी कि एक और चिड़िया, इस सीगुल का भाई, उसने क्या किया, उसने अपने पेरेंट्स से मछली पकड़ने का आर्ट सीखा और उसने अपनी पहली मछली पकड़ी, समुंदर में डुबकी लगाकर मछली पकड़ी और उसे जल्दी से वो खा गया। और उसके पेरेंट्स बहुत प्राउड थे अपने बेटे की इस अचीवमेंट को देखकर, तो वो उसके आसपास खुशी से उड़ रहे थे और एक कैकलिंग साउंड प्रोड्यूस कर रहे थे जिस साउंड के थ्रू वो उसकी प्रेज कर रहे थे और अपनी प्राइड शो कर रहे थे कि हाँ आज हमारे बेटे ने एक बहुत बड़ी चीज की है। तो ये सीगुल अकेला ही इस पहाड़ी पर बैठा हुआ था और ये सब कुछ देख रहा था। And all the morning, the whole family had walked about on the big plateau midway down the opposite cliff, taunting him with his cowardice. Taunting means किसी का मजाक उड़ाना, किसी को छेड़ना. Cowardice means teasing him for not being brave. तो इस सीगुल की पूरी फैमिली इसके ऑपोजिट वाली क्लिफ पर बैठे हुए थे और इसका मजाक उड़ा रहे थे कि वो बहादुर नहीं है, उसमें इतनी हिम्मत ही नहीं है कि वो उड़ सके। The sun was now ascending the sky, blazing on his ledge that faced the south. He felt the heat because he had not eaten since the previous nightfall. Ascending means going upwards. एक बार फिर से सनराइज हो रहा था। तो ये जो सीगुल है, ये जिस लेज पर बैठा हुआ था, सीगुल का फेस राइजिंग सन की तरफ था, तो उसे सन की हीट फील हो रही थी, उसे बहुत ज्यादा गर्मी और अनइजी फील हो रहा था। और ज्यादा हीट इसलिए फील हो रही थी क्योंकि उसने एक पूरे दिन कुछ नहीं खाया था, पिछले पूरे दिन कुछ नहीं खाया था, क्योंकि हमने अभी पढ़ा कि वो 24 आवर्स से वहां पर अकेला बैठा हुआ था और वो उड़ नहीं रहा था, कोई उसको खाना देने नहीं आया था, तो वो भूखा था, एग्जॉस्टेड था, इसलिए उसे बहुत ज्यादा अनइजी फील हो रहा था। He stepped slowly out to the brink of the ledge and standing on one leg with the other leg hidden under his wing, he closed one eye, then the other and pretended to be falling asleep. अभी इतना ज्यादा एग्जॉस्टेड था, इसने क्या किया, ये धीरे 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 लेज के किनारे पर आया। ब्रिंक मीन्स द एज, किनारा। और फिर इसने क्या किया, एक टांग पर बैठ गया और दूसरी टांग को अपने पंख के नीचे छुपा लिया और अपनी एक आंख बंद कर दी और दूसरी आंख भी बंद कर रहा था, ऐसे शो कर रहा था कि वो सो रहा है। तो वो क्या शो करना चाह रहा था, एज इफ कि वो बेहोश हो रहा है ताकि उसके फैमिली मेंबर्स कंसर्न फील करें और उसकी हेल्प करने आए।
Still, they took no notice of him. He saw his two brothers and his sister lying on the plateau dozing with their heads sunk into their necks. Dozing means sleeping. बेचारे सीगुल के एफर्ट्स का कोई रिजल्ट नहीं था, कोई भी उसे नोटिस नहीं कर रहा था. उसने देखा कि ऑपोजिट क्लिफ पर उसके भाई और उसकी बहन आराम से सो रहे हैं और वो बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे कि वो क्या कर रहा है, उसे कोई प्रॉब्लम है, कोई भी कंसर्न नहीं है. His father was preening the feathers on his white back. Only his mother was looking at him. Preening means making an effort to maintain the feathers. तो सीगुल के फादर अपने फेदर्स को साफ कर रहे थे, सिर्फ उसकी माँ थी जो उसको देख रही थी. बिकॉज शी वॉज कंसर्न, माँ को ये पता था कि बच्चे ने पूरे एक दिन से कुछ नहीं खाया, वो भूखा है. लेकिन वो उसे उड़ना सिखाना चाहती थी, इसलिए वो उसके साथ स्ट्रिक्ट बनी रही. She was standing on a little high hump on the plateau, her wide breast thrust forward. Thrust means pushed. अब इसकी मदर भी वो सामने वाले क्लिफ की प्लेटो यानी के रेज्ड ग्राउंड पर बैठी हुई थी और उसकी जो ब्रेस्ट है, फ्रंट पोर्शन है उसकी बॉडी का, वो आगे की तरफ पुश किया हुआ था. Now and again she tore at a piece of fish that lay at her feet and then scrapped each side of her beak on the rock. थोड़ी थोड़ी देर के बाद उस सीगुल की मदर क्या करती थी, उसके पैरों में जो मछली पड़ी हुई थी जिसे वो समुन्दर से लेकर आई थी, वो उसको थोड़ा सा छीलती थी और अपनी चोंच को पत्थर के साथ रगड़ती थी. तो वो अपनी बीक की साइड्स को रॉक के साथ क्यों स्क्रैप कर रही थी, अपनी बीक को और ज्यादा शार्प बनाने के लिए, ताकि वो आसानी से इस मछली को अपनी बीक के साथ काट सके. The sight of the food maddened him. बेचारा सीगुल इतना भूखा था, जब उसने खाना देखा, मछली देखी अपनी माँ के पास, तो वो भूख से पागल हो गया. How he loved to tear food that way, scraping his beak now and again to wet it. To wet it means to sharpen it. जैसे कि मैंने आपको बताया कि सीगुल की मदर बार बार अपनी चोंच को पत्थर पे घिस रही थी ताकि वो उसे शार्प कर सके, तीखा कर सके और आसानी से मछली को काट सके. तो सीगुल ने जब अपनी माँ को ये करते हुए देखा तो वो भी ऐसे ही मछली को फाड़ कर खाना चाहता था और जैसे कि वो बहुत ज्यादा भूखा था, वो भूख से पागल हो गया. गा गा गा, he cried, begging her to bring him some food. Coca-Cola, she screamed back derisively. Derisively means in a manner showing someone that he or she is so stupid. अब बेचारा सीगुल इतना भूखा था, उसने अपनी माँ को कहा गा गा गा, उसने उसे बेग किया कि प्लीज मुझे खाना दे दो, मैं बहुत ज्यादा भूखा हूँ. और रिप्लाई में उसकी मदर ने उस पर चिल्ला कर कहा Coca-Cola, जैसे कि वो ये कहना चाहती है कि तुम बिल्कुल बेवकूफ हो. क्यों? क्योंकि तुम कोशिश ही नहीं कर रहे कि तुम उड़ो और अपने लिए खाना ले आओ. But he kept calling plaintively and after a minute or so he uttered a joyful scream. Plaintively means having a sad quality. दुख भरी आवाज में बेचारा सीगुल अपनी माँ को बार बार पुकार रहा था गा 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 करके कि प्लीज मुझे खाना दे दो. और तकरीबन एक मिनट के बाद वो खुशी से चिल्ला उठा. क्यों? क्योंकि उसकी मदर ने उसके लिए कुछ किया. क्या किया? His mother had picked up a piece of the fish and was flying across to him with it. He leaned out eagerly, tapping the rock with his feet, trying to get nearer to her as she flew across. तो सीगुल की मदर ने क्या किया? उसने एक मछली का टुकड़ा उठाया और उसकी तरफ उड़ने लगी और इसलिए वो खुशी से चिल्ला उठा कि वाह, मेरी मम्मी मेरे लिए खाना ले आई. लेकिन उसकी मदर ने फिर क्या किया? But when she was just opposite to him, she halted, her wings motionless, the piece of fish in her beak almost within reach of his beak. Halted means stopped. जैसे ही वो सीगुल के पास पहुंचने वाली थी, वो रुक गई. उसने अपने पंख रोक लिए और जो मछली है वो सीगुल के बहुत ज्यादा क्लोज थी, लेकिन उसके मदर ने उसे मछली दी नहीं. वो ये चाहती थी कि वो हल्का सा उड़ने की कोशिश करे उसे पकड़ने के लिए. He waited a moment in surprise,
wondering why she don't come nearer. And then, maddened by hunger, he dived at the fish. अब एकदम से तो बेचारा सीगुल हैरान था कि मम्मी खाना क्यों नहीं ला रही है, बीच में ही रुक गई है। लेकिन उसको इतनी ज्यादा भूख लगी थी कि बिना सोचे उसने मछली की तरफ डाइव किया, उसने उड़ान भरी मछली को पकड़ने के लिए। अब वो ये चीज भूल चुका था कि उसके विंग्स इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, वो उड़ नहीं पाएगा। हंगर इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि बिना सोचे समझे उसने हवा में उड़ान भर ली। With a loud scream, he fell outwards and downwards into space. Then a monstrous terror seized him and his heart stood still. अब क्या हुआ? जैसे ही सीगुल ने हवा में उड़ान भरी, वो जोर से चिल्लाया और फिर वो बाहर की तरफ और नीचे समुंदर की तरफ गिरता चला गया। फिर एकदम से वो डर गया और वो घबरा गया, क्योंकि उसे ये रियलाइज हुआ कि उसने ये क्या कर लिया। अरे वो तो हवा में है लेकिन वो तो उड़ ही नहीं सकता, उसके पंख तो इतने मजबूत ही नहीं है कि वो उड़ सके। तो अब उसने क्या किया? He could hear nothing, but it only lasted a minute. The next moment he felt his wings spread outwards. अब एकदम से क्या हुआ, जब वो डर गया उसको सुनना भी बंद हो गया। लेकिन ये जो इफेक्ट था ये सिर्फ एक मिनट तक चला, उसके बाद एकदम से उसके पंख खुल गए और वो उड़ने लग गया। तो ऐसे सीगुल की मदर ने उसे उड़ना सिखाया। The wing rushed against his breast feathers, then under his stomach and against his wings. He could feel the tips of his wings cutting through the air. He was not falling headlong now. अब जब वो उड़ने लग गया तो उसे हवा महसूस हो रही थी, उसके पंखों से छूती हुई हवा जो कि उसकी बॉडी को छू रही थी, और अब वो उड़ रहा था। अब वो समुंदर की तरफ नीचे गिर नहीं रहा था, तो फाइनली उसके पंख चलने लग गए थे और वो उड़ने लग गया था। एंड ही हैड टेकन हिज फर्स्ट फ्लाइट। ही वॉज सोरिंग ग्रेजुअली डाउनवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स। ही वॉज नो लॉन्गर अफ्रेड, ही जस्ट फेल्ट अ बिट डिजी। Soaring means flying and dizzy means an uncomfortable feeling of spinning around and losing one's balance. तो अब फाइनली ये सीगुल हवा में उड़ रहा था, नीचे की तरफ, बाहर की तरफ, अलग अलग directions में वो उड़ रहा था और अब उसे डर भी नहीं लग रहा था, उसे सिर्फ थोड़ा सा dizzy feel हो रहा था, यानी कि थोड़ा uneasy feel हो रहा था, because एक दिन से उसने कुछ खाया नहीं था और वो सारा दिन धूप में बैठा रहा था, इस वजह से वो एग्जॉस्टेड था, थका हुआ था। Then he flapped his wings once and he soared upwards. Ga 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 kula. His mother swooped past him, her wings making a loud noise. Swoop means उसके पास से गुजरना। तो अब जैसे ही सीगुल उड़ने लग गया था, ये ऊपर हवा में आकाश की तरफ उड़ रहा था, इसकी माँ बहुत ज्यादा खुश थी, अलग अलग आवाजें निकालकर वो अपनी खुशी एक्सप्रेस कर रही थी, और फिर इसकी माँ भी इसके पास से गुजरी और अपने पंखों को जोर से फड़फड़ाती हुई निकल गई। He answered her with another scream. Then his father flew over him screaming. तो इस सीगुल के पेरेंट्स बहुत ज्यादा खुश हैं, वो अपने बच्चे के आसपास उड़ रही हैं, वो सेलिब्रेट कर रही हैं कि फाइनली इसने अपनी फर्स्ट फ्लाइट ले ली है और ये अपने डर के ऊपर विजय प्राप्त कर रहा है। He saw his two brothers and sister flying around him, curveting and banking and soaring and diving. Curveting means leaping like a horse, banking means flying with one wing higher than the other. तो ये जो curveting, banking, soaring and diving है, ये क्या है? ये अलग अलग motions या movements है flying की। curveting में क्या होता है, आप ऐसे leaps लेते हैं घोड़े की तरह। banking में एक पंख ऊपर और एक पंख नीचे की तरफ होता है। soaring means एकदम से ऊपर की तरफ उड़ना, and diving means एकदम से नीचे direction में जाना। तो ऐसे अलग अलग motions में इसकी सारी फैमिली, इसके पेरेंट्स और इसके ब्रदर्स एंड सिस्टर इसके आसपास उड़ रहे थे। सब बहुत ज्यादा खुश थे कि सीगुल ने उड़ना सीख लिया है।
Then he completely forgot that he had not always been able to fly and commended himself to dive and soar and curve, shrieking shrilly. तो फाइनली अब ये सीगुल भी भूल चुका था कि इसे उड़ना नहीं आता. इतनी परफेक्टली उड़ रहा था, कभी डाइव कर रहा था, सोव कर रहा था, कर्व कर रहा था और खुशी से चिल्ला रहा था. He was near the sea now, flying straight over it, facing straight out over the ocean. तो अब ये क्या कर रहा था? स्किम, समुंदर के बिल्कुल पास ऐसे उड़ रहा था. He saw a vast green sea beneath him with little ridges moving over it and he turned his beak sideways and cawed amusedly. Cawed is the sound produced by the bird. अब जब ये समुंदर के इतनी पास उड़ रहा था तो उसने क्या देखा कि बहुत बड़ी हरे रंग की सी है और उसमें छोटी छोटी रिजेस हैं. रिजेस क्या है? उसकी लहरें, जो वेव्स होती हैं सी की. और उसने अपनी चोंच को साइडवेज टर्न किया और का का के साउंड निकालता हुआ खुशी से हवा में उड़ने लगा. His parents and his brothers and sister had landed on this green flooring ahead of him. अब इस सीगुल के पेरेंट्स और इसके ब्रदर्स सिस्टर्स को सी के ऊपर लैंड करना भी आता था, यानी कि वो अपने पैरों को हल्का हल्का हिलाकर वेड कर सी के ऊपर बैठ भी सकते थे और वो ऐसा ही कर रहे थे. They were beckoning to him, calling shrilly. He dropped his legs to stand on the green sea. Beckoning means signaling him to follow them. तो उसके फैमिली मेंबर्स उसे कह रहे थे कि तुम भी हमें देखो और हमारी तरह करो. हम क्या कर रहे हैं? हम अपने पैरों को थोड़ा थोड़ा हिलाकर समुंदर के ऊपर बैठे हुए हैं, तो तुम भी ऐसे ही हमारी तरह करो. His legs sank into it. He screamed with fright and attempted to rise again, flapping his wings. अब इस सीगुल को अभी प्रैक्टिस नहीं थी कि वो सी के ऊपर बैठ सके, तो जैसे ही उसने अपने पांव समुंदर में डाले तो क्या हुआ, वो डूबने लग गया और वो एकदम से डर गया और उसने अपने पंख फड़फड़ाए उड़ने की कोशिश की, क्योंकि अभी उसे इतनी प्रैक्टिस नहीं थी कि वो अपने पैरों को वेड करके समुंदर के ऊपर बैठ सके. But he was tired and weak with hunger and he could not rise, exhausted by the strange exercise. तो अब ये जो सीगुल है ये इतना थका हुआ था और भूखा भी था इसलिए ये उड़ नहीं पाया, और ये जो इतनी एक्सरसाइज की थी इसने फ्लाइंग की और समुंदर के ऊपर बैठने की जो कोशिश की थी इसके कारण ये और भी ज्यादा थक गया था. His feet sank into the green sea and then his belly touched it and he sank no further. अब क्या हुआ, इसके पैर जब समुंदर में डूब गए और इसका जो पेट है वो समुंदर को छूने लगा तो इसने क्या रियलाइज किया कि अब वो डूब नहीं रहा, तो वो समुंदर के ऊपर तैरने लग गया. He was floating on it and around him his family was screaming, praising him. And their beaks were offering him scraps of dogfish. He had made his first flight. तो अब जब वो ऐसे समुंदर के ऊपर तैरने लग गया तो उसके फैमिली मेंबर्स बहुत ज्यादा खुश थे, क्योंकि उसने ये चीज भी सीख ली थी कि कैसे वो समुंदर पर तैरते हैं. वो अपनी पैरों को समुंदर में डुबो देते हैं तो उनके स्टमक्स हैं जो वो समुंदर पर तैरने लग जाते हैं. तो जब सीगुल ने ये चीज भी कर ली उसकी फैमिली इतनी खुश थी कि वो खुशी से चिल्ला रही थी और उसकी तारीफ कर रही थी और अपनी चोंच में डॉगफिश के टुकड़े डालकर उसे खिला रहे थे. और फाइनली इस सीगुल ने अपनी पहली उड़ान भर ली थी और उसने उड़ना सीख लिया था. तो यहाँ पर हमने ये देखा कि कैसे इस सीगुल ने अपने डर के ऊपर जीत हासिल की और फाइनली अपनी पहली उड़ान भरी और उड़ना सीखा, और कैसे उसके फैमिली मेंबर्स, उसके पेरेंट्स और खास तौर पर उसकी मदर ने एफर्ट किया उसे उड़ना सिखाने के लिए. इसके साथ ही ये लेसन खत्म होता है. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. आई होप इट वॉज हेल्पफुल टू यू. इफ यू हैव एनी क्वेरीज प्लीज राइट इन द कॉमेंट सेक्शन, एंड फॉर मोर वीडियोज प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल इंग्लिश अकेडमी.